हेलो एवरीवन, आई एम पंकज, योर बियॉन्ड एग्जाम्स इंस्ट्रक्टर। आई नो कि लास्ट टू वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए पर्सनली, व्हेन आई वाज री लिसनिंग टू देम, थोड़ी सी बोरिंग सी हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया था। मेरे तो दिमाग में सारा घुस भी नहीं रहा था। तो अगर आपके भी ऐसा हो रहा होगा तो प्लीज़ नो नीड टू यू नो वॉच इवन दिस वीडियो। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल रिकमेंड अगेन कि यार ये वाले पार्ट आप देख लेना एंड वाला पार्ट आप दोबारा से देख लेना। बट मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, अगर थोड़ा सा भी सिंसियरिटी है कि हाँ यार एक बार तो देख लेते हैं, तो एक बार आप देख लो, दिमाग में किसी कोने में वो पार्ट अगर हिट कर जाएगा तो बाद में काम आ सकता है, राइट। ये फाइनल जावास्क्रिप्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वेयर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द मैजिक बिहाइंड लिंकिंग HTML विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एंड ये मैजिक शुरू होता है HTML DOM से। DOM का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली आप जब HTML का कोड करते हैं, राइट, तो वो शुरू होता है इस टैग से, HTML टैग से, राइट, और इसके अंदर बाकी टैग्स होते हैं। तो ये पूरा जो वेब पेज है इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, DOM कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। तो ये पूरा HTML जो है, ये देखिए HTML के अंदर दो टैग्स होते हैं, दो चाइल्ड टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी। अगर आप इसके अंदर का सारा कंटेंट हटा दें तो HTML के अंदर दो टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी, राइट। और फिर हेड के अंदर और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि टाइटल टैग, लिंक टैग, स्क्रिप्ट टैग। बॉडी के अंदर भी और टैग्स होते हैं, डिव और पता नहीं क्या क्या। तो HTML के अंदर ये देखिए दो चाइल्ड टैग, हेड और बॉडी। हेड के अंदर टाइटल टैग, टाइटल के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट है माई टाइटल, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट था टाइटल का माय वेबसाइट, राइट। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ फॉर्मेट में, राइट। HTML का दूसरा टैग है बॉडी। बॉडी के अंदर आपने एक ए टैग यूज़ किया, ए टैग का टेक्स्ट डाल दिया माय लिंक, ए टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डाल दी। तो इस पूरे ग्राफ को एक्सेस करने के लिए एक सुपर कैटेगरी बना दी गई है डॉक्यूमेंट की, डॉम की, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इस डॉम डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी भी लेवल पे घुस के उस लेवल को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जावास्क्रिप्ट बिकम्स वेरी पावरफुल जब उसे HTML से लिंक करते हैं। कैसे? जावास्क्रिप्ट किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकता है, HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट किसी भी HTML के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते थे? प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये ए टैग है जिसकी प्रॉपर्टी है href और इसकी वैल्यू है होम। जैसे कि ये एक डिव टैग है जिसकी क्लास है साइड नैव, राइट। और अगर क्लास साइड नैव है तो प्रॉब्ली इससे कुछ रिलेटेड css होगी, साइड नैव से रिलेटेड। ये देखिए साइड नैव से रिलेटेड css है। जावास्क्रिप्ट कह सकता है कि ना, इसकी css मैं हटा दूंगा। तो जितनी css इस पे लगी थी सब ख़त्म। जावास्क्रिप्ट सारी css चेंज कर, सारे एट्रीब्यूट्स बदल सकता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बदल दी थी, क्लास वॉज एन एट्रीब्यूट और एक क्लास बदली, पूरी css चेंज। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज css ऑफ द पेज। अभी तो हम लोग सिर्फ क्लास बदल रहे थे। लेट्स से इस साइड नैव की क्लास में css क्या लगी हुई है? विथ इज ज़ीरो, इसकी विथ अभी ज़ीरो है। हम लोग इसको चेंज करके कह सकते हैं विड्थ हो जाए 1000 पिक्सल। तो ये बहुत बड़ा, इंस्टेड ऑफ 0 पिक्सल के 1000 पिक्सल हो जाए। ये css को भी जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकता है, हर एक पार्ट। अभी ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट का एक बटन क्लिक किया ये रेड कलर से हो गया, css चेंज कर दी। जावास्क्रिप्ट कैन रिमूव html एलिमेंट्स। html के अंदर हेड है, बॉडी है, बॉडी के अंदर एंकर टैग है, एंकर टैग है माई लिंक। जावास्क्रिप्ट का बटन क्लिक किया ये एंकर टैग ख़त्म हो गया। तो जावास्क्रिप्ट हैज़ दी एबिलिटी टू ऑफ डिलीटिंग एनी एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट कैन ऐड न्यू HTML एलिमेंट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। तो बॉडी में अभी ए और H1 है, लेट्स से तुम्हें पैराग्राफ भी ऐड करना है कि यूज़र जब क्लिक करे कहीं पे तो एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हो जाए कि भाई तुझसे ना हो पाएगा। तो जावास्क्रिप्ट से बोल देंगे, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे एक और पी टैग ऐड कर देगा कि भाई तुझसे ना हो पाएगा। हर इवेंट जो एक कंप्यूटर ब्राउज़र में हो रहा होता है, जैसे कि बटन क्लिक, आपका माउस मूव, स्क्रॉल, हर चीज़ जावास्क्रिप्ट से लिंक्ड होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल दिस। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस योर माउस डाउन,
व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्क्रॉल, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मूव, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक, हर चीज़ हर एक्शन जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है. ऑल राइट, और यही सब हम लोग देखेंगे कैसे. एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद डॉम. डॉम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, प्रॉपर्टी को उठा सकते हैं, मेथड को उठा सकते हैं, इवेंट को उठा सकते हैं. तो डॉम के सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है. प्रॉपर्टीज एवेल्यूएट यू कैन गेट और सेट, एक्शन यू कैन टेक, ठीक है. मेथड्स का मतलब होता है एनी एक्शन दैट यू कैन टेक, एंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है एनी वैल्यू दैट यू कैन गेट और सेट. क्या होता है अभी देखते हैं. जैसे कि डॉक्यूमेंट के पास गए, डॉक्यूमेंट से बोला गेट एलिमेंट बाय आईडी, इंग्लिश में समझने की कोशिश करो, वो एलिमेंट उठाओ डॉक्यूमेंट से जिसकी आईडी है डेमो. गया डॉक्यूमेंट, देखा कि क्या इस एलिमेंट की आईडी डेमो है, नहीं है. क्या इसकी डेमो है, नहीं है. क्या इस एलिमेंट की आईडी डेमो है, हाँ जी भाई इसकी आईडी डेमो है. इसको उठा के यहाँ ले आया. फिर उसने क्या किया, इस डॉट इनर एचटीएमएल, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक वैल्यू है. इनर एचटीएमएल को चेंज करके लिख दो हेलो वर्ल्ड. तो अभी पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली है. जैसे ही ये स्क्रिप्ट रन होगा उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख जाएगा, ठीक है. इवन दो ये एम्प्टी था, ये देखिए यहाँ पे भी ये डेमो पैराग्राफ एम्प्टी था, तो दिखना चाहिए था सिर्फ माय फर्स्ट पेज हेडिंग. बट क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा था जिसने कहा कि डॉक्यूमेंट भाई डेमो नाम आईडी वाले एलिमेंट को उठाओ, उसके इनर एचटीएमएल में हेलो वर्ल्ड लिख दो, तो उसने हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे दिखा दिया. तो गेट एलिमेंट बाय आईडी इज अ वेरी कॉमन मेथड. सिमिलरली इनर एचटीएमएल इज अ वेरी कॉमन प्रॉपर्टी जिससे हम लोग किसी भी एलिमेंट के अंदर की इनर एचटीएमएल को मॉडिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट डॉम डॉक्यूमेंट, दो तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट वो होते हैं फंक्शन मेथड्स. एक है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फाइंड एन एलिमेंट बाय एलिमेंट आईडी. एक है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम. तुम सारे पी टैग्स को निकालना चाहते हो और कहना चाहते हो कि भाई सारे पी टैग्स आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा सीएसएस चेंज करूंगा. कर सकते हो इस फंक्शन से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी बाय टैग नेम. धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है, डोंट वरी, बस ये खत्म होने वाला है, लास्ट वीडियो है. गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, यहाँ पे हम लोग ने क्लास बनाई हुई है माई स्लाइड्स, और ये देखो मल्टी क्लास यूनिक नहीं होती, जैसे आईडी यूनिक होती है, राइट. पूरे डॉक्यूमेंट में माई साइड नेम नाम की एक ही आईडी हो सकती है. देखो सर्च कर रहे हैं तो सिर्फ वन अकरेंस, बट अगर इस क्लास को सर्च करें माई स्लाइड्स तो आप देखो तीन जगहों पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट. तो क्लास यूनिक नहीं होती, तो इसलिए ये फंक्शन भी देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है. क्यों, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो एरे रिटर्न करेगा उसकी सारे एलिमेंट्स जिनकी क्लास नेम इसके अंदर वाली है वो सारे रिटर्न करो. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि इनर एचटीएमएल को मॉडिफाई कर सकते हैं, अंदर का कंटेंट, एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट, जैसे कि डिव एलिमेंट है जिसकी एक एट्रीब्यूट है क्लास, इसके एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं या एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं. सेट एट्रीब्यूट एडिंग और डिलीटिंग एलिमेंट्स, अगर एचटीएमएल में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो क्रिएट एलिमेंट, रिमूव करना है रिमूव चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, रिप्लेस चाइल्ड, राइट. ठीक है भाई समझ गए, ठीक है. तो इतना ही था यार, बाकी जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे यूज़ करेंगे. दिस इज़ इट, आपका ऑफिशियली बेसिक जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो गया, थ्योरी पार्ट. अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के कोड से नेक्स्ट वीडियो से. जो भी आपने तीन वीडियोज़ में थ्योरी पढ़ी वो धीरे धीरे करके अब आप यूज़ करना चालू करोगे, और जहाँ जिसने जिसने नहीं पढ़ी है या नहीं याद है वो प्लीज़ वो वीडियो के उस पार्ट पे दोबारा से चले जाना. एंड अगर आपको लगे कि यार मैं दोबारा पूरी वीडियो नहीं देख पाऊँगा तो बियॉन्ड एग्ज़ाम्स पे आप नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो. जैसे कि आपने सर्च किया कोड, ये लर्न टू कोड योर फर्स्ट वेबसाइट आ गया, ये वीडियो आई, आपने इस वीडियो को प्ले किया, यहाँ पे आपको लगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कुछ नोट कर लेता हूँ, तो आप ऐड अ नोट करो. 26 सेकंड पे वीडियो पे आप यहाँ पे नोट ऐड कर सकते हो अपना कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया जो भी एक्सप्लेन किया गया, और जैसे ही आप सेव करोगे, जैसे कि यहाँ पे समझ लो एक्सप्लेन किया गया HTML कोड स्टार्ट्स हियर सेंड, तो ये नोट ऐड हो गया। आप फ्यूचर में कभी भी इस वीडियो पे जाएंगे तो आपको पता होगा कि 26वें सेकंड में HTML कोड स्टार्ट्स हियर था। वैसे आप जितने चाहो उतने नोट्स क्रिएट कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बाद में रिवाइज करना। आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी होगी, आपको सिर्फ वो वाला सेक्शन देखना होगा जिसमें आपने नोट ऐड किया है। ऑल राइट एवरीवन, अगली वीडियो में हम लोग इस एरर को रिजॉल्व करेंगे जो तीन वीडियोस पहले आई थी। आई होप आप फॉरगेट ना किए हो, एंड जो जो आपने अभी थ्योरी तीन वीडियोस में थोड़ी थोड़ी देखी है उसको यूज़ करना सीखेंगे, कैसे आप पावर मैजिक ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो गुड बाय एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर।